नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे रूबरू हूँ कुछ बातें बताने को किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट एक अहम सर्जरी है और हमारे देश के कानून के मुताबिक दो ही तरीके से आपको किडनी मिल सकती है, या तो आपका कोई क्लोज रिलेटिव दे या फिर किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती तो उसके ऑर्गन डोनेट उन्होंने प्लेज किए हों या उनकी फैमिली देने को तैयार। ट्रांसप्लांट के पहले एक दो चार बातें कर लें किडनी की, क्योंकि अमूमन हमें ये आइडिया होता है कि किडनी का एक ही फंक्शन है जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती है यूरिन के थ्रू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बट इसके अलावा तीन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, तीन से भी ज़्यादा, बट तीन अहम फंक्शन जो किडनी की वजह से होते हैं। एक तो है कि किडनी की वजह से हीमोग्लोबिन आपका जो है वो मेंटेन रहता है, एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन की तरह। दूसरा कैल्शियम और बोन की हेल्थ, इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किडनी का। और तीसरा है बॉडी की पीएच। आजकल आप अल्कलाइन वाटर वगैरह सब सुन रहे होंगे, तो उस पीएच को ये पूरी बॉडी की मेंटेन करता है। अब सोचिए, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट ना करवा के डायलिसिस करवाते हैं तो डायलिसिस तो फिल्ट्रेशन करेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स के, बट ये तीन फंक्शन आपको नहीं देगा। तो जब भी कभी आपकी किडनी फेल हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली जो फेल होने के रीजंस हैं इंडिया में, सबसे कॉमन है डायबिटीज़, या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या और प्राइमरी बीमारियां होती हैं किडनी की, या सर्जिकल बीमारियां जिसकी वजह से किडनीज निकाली जाती हैं, जैसे कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है या रिफ्लक्स है, तो जब भी किडनी का फंक्शन ज़ीरो हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो आपको इनिशियली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इमिजिएटली तो आप ट्रांसप्लांट की तैयारी करके नहीं करवा सकते। तो उस सिचुएशन में ब्लड के थ्रू डायलिसिस होता है या पेट में कैथेटर डाला जाता है जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। ये दो विधियाँ होती हैं, बट मैंने जैसे आपसे कहा ये टेम्प्ररी है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें किडनी ट्रांसप्लांट से, तो सर्वाइवल एडवांटेज जो है किडनी ट्रांसप्लांट का ज़्यादा है, मतलब पेशेंट की लाइफ भी बढ़ती है और जो डायलिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम होते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई अगर लाइफ रिलेटेड है आपका, नोन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिग्री रिलेटिव होना चाहिए, और हमारा लॉ ऑफ लैंड प्रोफेशनल डोनर्स अभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जीन टेस्टिंग और HLA बैच से। अगर आपका डोनर आपका रिलेटिव है और ब्लड ग्रुप सेम है, तो उस ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 95-98% है। अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो सक्सेस रेट तो सेम है, मे बी थोड़ी सी कम होती है, बट उसमें प्लाज्मा फेरेसिस करके कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको निकाला जाता है, तो उसमें थोड़ा खर्चा आपका बढ़ जाता है ब्लड ग्रुप डिफरेंट होने से, मगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप में हमारे पास एक और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है, स्वैपिंग ऑफ डोनर्स। यदि आपके डोनर का ब्लड ग्रुप किसी और के रेसिपिएंट से मैच कर रहा है, जो दोनों पेयर लीगल हैं, जो लीगली वैलिड हो रहे हैं मेरे सेंटर पे, तो उनके डोनर्स आपस पे हम लीगली एक्सचेंज कर सकते हैं, जिस वजह से रेसिपिएंट को सेम ब्लड ग्रुप की किडनी मिल जाए। किडनी ट्रांसप्लांट में जैसे मैंने कहा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम होते हैं। आजकल सर्जरी बहुत ही इजी हो गई है, आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन रहना पड़ता है। और डोनर्स की भी सर्जरी जो किडनी देते हैं वो भी हाईटेक हो गई हैं लैप्रोस्कोपी से, उसमें बहुत ही छोटा इंसिजन और स्कार्स होते हैं, और 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद आई थिंक विद इन 7 डेज आप वापस काम ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही जो रेसिपिएंट्स होते हैं जिनको किडनी मिली होती है, वो भी मेरे ख्याल से 3 हफ्ते से 4 हफ्ते में दे कैन कम बैक टू नॉर्मल वंस उनके लेवल्स जो हैं इम्यूनो सप्रेशन के लेवल्स जो हैं वो आ जाएँ, तो उसके बाद वो काम पर वापस आ सकते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ तक डोनेशन की बात आती है, पर
जहाँ तक सर्जरी करने की बात आती है या होल प्रोसीजर की बात आती है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास इनफ रिसोर्सेस हो और उससे ज़्यादा सही मायने में एक रिलेटिव डोनर हो। तो एज आई सेड अर्लियर, किडनी ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज बेटर देन हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस।